हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू टेक बाइट्स। दोस्तों, अगर आप अपने वीडियो एडिटिंग पर्पस के लिए कैमटेशिया स्टूडियो का यूज़ करते हैं तो आपने ये बात तो जरूर नोटिस करी होगी कि कैमटेशिया की अभी जो लेटेस्ट रिलीज आई है 2021 की, उसमें आपने देखा होगा कि कैमटेशिया ने अपने स्क्रीन रिकॉर्डर वाले सॉफ्टवेयर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। जब आप कैमटेशिया 2021 से स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन को लॉन्च करते हो तो आपके सामने जो अब स्क्रीन रिकॉर्डर खुल के आता है वो पहले वाले स्क्रीन रिकॉर्डर से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑप्शंस जो ओल्ड वाले स्क्रीन रिकॉर्डर में थे वो हटा दिए गए हैं, और उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन था स्क्रीन ड्रॉ का, जिसको आप यूज़ करके अपने स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स को मार्क करते थे और सेलेक्ट करके अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप दिखा सकते थे। वो ऑप्शन इस न्यू रिलीज से कम्प्लीटली हटा दिया गया है। आप कैमटेशिया 2021 में उस ओल्ड वाले स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ नहीं कर सकते। जो न्यू स्क्रीन रिकॉर्डर कैमटेशिया ने लॉन्च किया है अपने लेटेस्ट रिलीज में, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है और काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स उसमें दिए गए हैं, ऐसा कैमटेशिया ने बोला है अपने डॉक्यूमेंट्स में। पर लोग अपने उस गुड ओल्ड स्क्रीन रिकॉर्डर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जो आप वो कैमटेशिया के साथ पहले यूज़ किया करते थे, और इस नए वर्जन में वो उस ओल्ड वाले स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ गया हूँ कि आप कैसे कैमटेशिया 2021 में अपने गुड ओल्ड स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं पहले की तरह, जैसे आप पहले किया करते थे वही सेम आप इस वाले रिलीज में भी कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट रखिए ताकि आप किसी भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने कैमटेशिया 2021 इंस्टॉल किया हुआ है, और जब आप इसको फर्स्ट टाइम लॉन्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। इस तरह से ये आपके लैपटॉप या पीसी पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, इस लेटेस्ट वर्जन में जो स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन कैमटेशिया ने दिया है, ये टॉप लेफ्ट पे ये रिकॉर्ड का बटन है, जब इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरह का स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला जो ऑप्शन खुल के आता है मेरे सामने। अब ये पहले वाले स्क्रीन रिकॉर्डर से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे खाली एक ही ऑप्शन है ऊपर कैप्चर का, और इसके अंदर ये ऑप्शन आपको मिलते हैं रिकॉर्ड स्क्रीन, रिकॉर्ड कैमरा, रिकॉर्ड माइक्रोफोन एंड रिकॉर्ड सिस्टम ऑडियो। पहले वाले स्क्रीन रिकॉर्ड में जो मल्टीपल ऑप्शन थे जिसमें आप बहुत सारी चीजें सेट कर सकते थे, जिसमें स्क्रीन ड्रॉ का ऑप्शन भी था, वो सारे ऑप्शन यहाँ से हटा लिए गए हैं। इस नए वाले स्क्रीन रिकॉर्डर में वो सब ऑप्शन नहीं है। तो बहुत लोगों को कैमटेशिया यूज करने में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने गुड ओल्ड स्क्रीन रिकॉर्डर को मिस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वो ऑप्शंस काफी ज्यादा अच्छे लगते थे, वो उन ऑप्शंस को यूज करना चाहते हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, पर इस प्रॉब्लम की वजह से वो उन ऑप्शंस को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे आप कैमटेशिया 2021 में अपने पुराने वाले स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज कर पाएंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कैमटेशिया के लेटेस्ट रिलीज के साथ भी उस पुराने वाले स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, और ओल्ड वाले स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको देखिए कैमटेशिया का जो आपका इंस्टॉलेशन है, आपको इसके इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में जाना है। तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है, आप इसको राइट क्लिक कर लीजिए अपने कैमटेशिया 2021 वाले फाइल पे जो आपकी डेस्कटॉप पे दिख रही है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा उसमें लिखा हुआ है ओपन फाइल लोकेशन, तो ये डायरेक्टली आपको वहीं पे ले जाएगा जिस डायरेक्टरी के अंदर ये आपका इंस्टॉल हुआ है। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, अब मेरे सिस्टम पे ये डायरेक्टरी खुल गई है जहाँ पे मेरा ये कैमटेशिया 2021 इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे अगर स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको ये लेगेसी कैम रिकॉर्डर नाम से एक फाइल मिलेगी। यही आपका वो पुराना वाला स्क्रीन रिकॉर्डर है जो आप पहले कैमटेशिया के साथ यूज किया करते थे। इस पे क्लिक करके आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, और जिस तरह से आप इसको पहले यूज किया करते थे सेम उसी तरीके से आप इसको यूज कर पाएंगे। तो देखिए, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से खुलेगा, और ये बिल्कुल वही स्क्रीन रिकॉर्डर है जो पहले आप यूज करते थे अपने कैमटेशिया के साथ। सारे ऑप्शन आपको बैक इसमें यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे मेन्यूज भी ऊपर आपको मिल जाएंगे, और स्क्रीन ड्रॉ का ऑप्शन जो बहुत सारे लोगों को इसमें नहीं मिल पा रहा था वो भी आपको इसके अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से कैमटेशिया 2021 के साथ ओल्ड वाले स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, साथ ही इसी तरह का कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।